स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, 10x इज इक्वल टू रूट 3। यानी कि हमें एक इक्वेशन दी गई है 10x इज इक्वल टू रूट 3। इस इक्वेशन के हमें प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन होते क्या हैं। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो है वो ये है। जैसे मान लो 10x, ये जो x है हमारा, x वेरिएबल लगा हुआ है 10 के साथ, तो x की वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई कर दें, ठीक है ना। यानी कि x की वो वैल्यूज़ जो रूट 3 हो, तो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ। यानी कि अगर हम सॉल्यूशन को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, SOLUTION, सॉल्यूशन मींस अ सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन is the value of the unknown angle, that is variable. That satisfy the equation. तो अगर हम सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो इस तरह से हम लिखेंगे, अ सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। यानी कि यह अननोन एंगल वेरिएबल है, जो इसकी वो वैल्यूज दैट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो एक्स की वो वैल्यू जो रूट 3 हो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के बारे में हमने देखा क्या है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि जो भी वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर 2π के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, वो लाई जो भी लाई करें वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होती हैं। यानी कि द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल लाइज बिटवीन 0 and 2π। यानी कि 0 और 2π के बीच में जो वैल्यू लाई करती हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होती हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन को डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं हम, द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन for which the value of unknown angle that is variable, ठीक है ना, means x, ठीक है ना, lies between 0 and 2π।
यानी कि एक्स की वो वैल्यूज़ जो 0 और 360 डिग्री यानी कि 2π के बीच में जो भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाती हैं, ठीक है। डेट इज जो एक्स है, एक्स इज लेस देन 2π और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा हो एक्स और 2π से कम हो, तो जितनी भी वैल्यू आएंगी वो जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगी। तो एक्स इज लेस देन 2π ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है कि 0 से 2π के बीच में जो जो भी वैल्यू होती हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो जनरल सॉल्यूशन है उसको देख लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास 3 थ्योरम है, ठीक है ना। तो 3 थ्योरम क्या है? पहली थ्योरम है हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। ये वाई क्या है? ये वाई बेसिकली हमारा जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो भी वैल्यू होती है वो वाई, उसको हम वाई मान लेते हैं, या आप थीटा मान लीजिए, जो जो भी आप इसको बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई इम्प्लाइज इसका हमारे पास फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन एन वाई, ठीक है ना। तो और जो एन है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हमारे पास साइन एक्स का है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो वाई है, वाई हमारा जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, इसमें हम वाई वाई की जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो हमारे पास आएगी वैल्यू वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, और एन की आप वैल्यू यहाँ रखते जाइए, और जितनी भी एन की वैल्यू रखेंगे उस तरह से आपको एक्स की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। तो ये तो हमारे साइन एक्स के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी थ्योरम हमारे पास है कॉस के लिए, तो सेकेंड थ्योरम को और देख लेते हैं। तो सेकेंड थ्योरम है कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, कॉस वाई या कॉस थीटा आप जो भी कहना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम वाई ले लें या थीटा ले लें, बात एक ही है। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई इम्प्लाइज ये हमारा है एक्स इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस वाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसमें भी जो है y जो है वो बेसिकली जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, जो y y में जो है हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू रख लेते हैं, और आप n की वैल्यू रखते चली जाइए, 1, 2, 3, 4 जो भी आप रखना चाहें, तो उससे क्या है हमें ये x की वैल्यू मिलती चली जाएंगी, जितना आप रखेंगे उस तरह से जो है ये हमें मिलता चला जाएगा, ठीक है। एक हमारे पास टेन की थ्योरम और है, तो वो और देख लेते हैं। तो तीसरी थ्योरम हमारे पास टेन की, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। तो वही है, यहाँ पे हम वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू है, और एन की आप वैल्यू रखते चले जाइए तो एक्स की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। तो ये हमारे पास 3 थ्योरम है जनरल सॉल्यूशन में, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर एन विच गिव्स ऑल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। मीन्स
इसको हम लिखते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो द एक्सप्रेशन द द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर एन ये एन है ना इसमें, तो ये उसी के बारे में बोला जा रहा है, द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर एन विच गिव्स ऑल सॉल्यूशन ऑफ ए ऑल सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। तो ये तो हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशंस और इसको इसके बारे में समझा, ये होता क्या है, ठीक है ना। अच्छा, जो साइन और कॉस है वो तो उनकी जो वैल्यू है वो 2π के बाद जो है रिपीट होती चली जाती है, ठीक है ना, वो टू हर बार जो है 2π के बाद वो रिपीट होंगी, और जो टेन की वैल्यू है वो जो है पाई के बाद ही रिपीट हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें बस ध्यान रखनी है। तो इसको हम देखते हैं अब क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन हमारा है टेन एक्स इजिकल टू टेन इजिकल टू रूट थ्री। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू हमें दे रखी है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जैसे ये पॉजिटिव वैल्यू हुई, ठीक है, ये पॉजिटिव है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये किस कौन कौन से क्वाड्रेंट में आती है, ठीक है। तो ये हमें पता ही है कि ये क्वाड्रेंट है हमारा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, एक तो टेन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, टेन हमारा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो एक वैल्यू हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रूट थ्री है वो क्या होता है, टेन सिक्सटी रूट थ्री होता है, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट थ्री, ये तो हमें पता ही है, तो एक वैल्यू तो यही हो गई 60 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री एक वैल्यू तो हमारे को पता लग ही गई, और 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें तो ये हो गया हमारा पाई बाई थ्री, तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अच्छा, अब हमें और दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो पहली हमें वैल्यू मिली 60 डिग्री, तो एक्स एक्सिस ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स डैश, तो एक्स एक्सिस पे हम एक 60 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने एक एंगल बना लिया, ये हमारा आ गया 60 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गई पहली, यानी कि पाई बाई थ्री है 60 डिग्री। अच्छा, अब दूसरी वैल्यू हमें करने के लिए फाइंड करने के लिए हम एक्स एक्सिस को ही बेस लेंगे, और बेस लेके इस एक्स एक्सिस पे एक 60 डिग्री का एंगल इधर बना देंगे, ठीक है ना, तो ये भी 60 डिग्री है, इसका बेस हमें हमेशा जो है एक्स एक्सिस पे ही लेना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एंगल क्या हुआ, ये एंगल हमारा हुआ ये, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज इसको हम काउंट करेंगे, तो ये हमारा पाई है, ठीक है ना, पाई प्लस पाई मतलब 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, भाई पाई के बाद अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो इसमें हमें जोड़ना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो ये हम 60 डिग्री का एंगल इसमें जोड़ देते हैं, तो 180 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट थ्री, तो ये हो गया हमारा
पाई प्लस 60 डिग्री है हमारा, पाई बाई थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें, ये थ्री हो गया और थ्री पाई प्लस पाई इज इक्वल टू रूट थ्री और फोर पाई बाई थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री। तो एक ये फोर पाई बाई थ्री, ये हमारी ये दूसरी वैल्यू आ गई। तो ये फोर पाई बाई थ्री, ये हमारा हो जाएगा 180 प्लस 60 यानी कि 240 डिग्री। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या है कि जो यहाँ पे हमें दे रखी है वैल्यू एक्स की, तो ये हमें देख लेंगे कि कौन सा ये बनता है एंगल हमारा। तो रूट थ्री है जैसे, तो रूट थ्री हमें पता ही है कि टेन 60 डिग्री जो है वो रूट थ्री होता है, ठीक है। उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 60 डिग्री जो है पाई बाई थ्री हो गया। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्वाड्रेंट देख लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में आएगा ये। क्वाड्रेंट में सेम एंगल बना के, जो एंगल हमारा बन रहा है पहली उसका वैल्यू का सेम एंगल उसके बना के, और हम जो है ये दूसरी सेकंड वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है हमने ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास आई 240 डिग्री यानी कि 4 पाई बाई थ्री। तो ये दो वैल्यू जो हो गई ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है अब जनरल सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं क्या है। जनरल सॉल्यूशन, और ये था हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी कि टेन 60 डिग्री की भी वैल्यू जो है वो रूट थ्री है, और 240 डिग्री की भी जो है वैल्यू वो रूट थ्री है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अब जनरल सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो जनरल सॉल्यूशन में जो है हमें ये थ्योरम हमने लिखी थी, टेन एक्स इजिकल टू टेन वाई, टेन एक्स इजिकल टू टेन वाई, ठीक है। और ये एक्स इजिकल टू एन पाई प्लस वाई, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स इजिकल टू एन पाई प्लस, ये जो वाई है हमारा ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो इसमें हम y की वैल्यू ये पाई बाई थ्री यहाँ पर लिख देंगे, पाई बाई थ्री, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये हम बना देंगे, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें आप n की वैल्यू रखते जाइए और वैल्यू अपने आप आती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। n पाई प्लस जो y है, थीटा है, जो वो थीटा है हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का ये पहला वाला हम ले लेते हैं वैल्यू, उसकी जगह वाई की जगह हम उसको पुट कर देते हैं। तो पाई बाई थ्री वाई की जगह आ गया और एन पाई, और आप एन की वैल्यू रखते चले जाइए और जनरल सॉल्यूशन निकलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसका हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना, और किस तरह से हम जो है इसका निकालते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन को। इक्वेशन हमें दी गई हो, तो एक बार और थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपको। जैसे टेन एक्स है ये पॉजिटिव है, और हमें पता ही है कि टेन एक्स जो है पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। एक तो टेन एक्स टेन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव होती है, क्या चीज़ नेगेटिव होती है, इसका हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, जो हमें दी गई है वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई, तो ये रूट थ्री है, तो रूट थ्री किसके बराबर होता है, ये भी हमें टेबल याद रहनी चाहिए। एटलीस्ट 0 से लेकर 90 डिग्री तक तो हमें याद रहनी चाहिए वैल्यूज, ठीक है ना। तो रूट थ्री जो होता है 1060 के बराबर होता है, तो पहली वैल्यू तो हमें यहीं से ही मिल गई। तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, तो ये पाई बाई थ्री पहली वैल्यू आ गई। अब सेकंड वैल्यू को देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, या जैसे कि थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो हम
एक्स एक्सिस को बेस लेके सेम ट्रायंगल जो हमारा पहला वाला है उसी वही एंगल यहाँ पर बना देते हैं, और वहाँ पर बनाने के बाद इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो पाई है, पाई में पाई बाई थ्री और जोड़ दिया हमने, और इसका एलसीएम निकाल के जो हमारे पास आया ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ। और जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास जो तीन जो थ्योरम है उनको यूज़ करके, जैसे हमारे पास टैन की थ्योरम थी, टैन इज इक्वल टू टैन वाई यानी कि थीटा, ये थीटा जो है ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई ये हमारी थ्योरम है, और इसमें हमने वाई की जगह हमने ये अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन लगा दिया जो हमारे पास 60 डिग्री का था पाई बाई थ्री, और इसको हम इस तरह से लिख के, और ये जनरल सॉल्यूशन हो जाता है हमारा। इसके बाद क्या है कि एन की वैल्यू लिखते जाइए और निकलता रहेगा अपना जितना भी आपको, जहाँ तक भी है, क्योंकि इन्फिनिटी तक होती हैं ये तो वैल्यू, इनका कोई अंत ही नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन होते क्या हैं, ठीक है ना। तो अब ये इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे आगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बस इसको आप प्रैक्टिस करिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसमें आप परफेक्ट होंगे। बस प्रैक्टिस करते चले जाइए और इसको देखते चले जाइए, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने साथियों के साथ जो है इसको सब्सक्राइब भी करवाएंगे। तो बस लाइक करते रहिए वीडियोस को और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का उसको करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक्स।